फ्रेंड्स वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग। दोस्तों मैं आज ये जीएसबी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीएसबी का कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और अगर आपने देसी इंजीनियरिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगली वीडियो जल्दी पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एम्बैकमेंट होने के बाद, सबग्रेड होने के बाद जीएसबी आता है। जीएसबी यानी ग्रैनुलर सब बेस, और उसके बारे में मैं पूरी तरह से आपको डिटेलिंग में क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, क्या क्या हर चीज़ का क्वालिटी के हिसाब से जो भी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है सारी चीज़ें कवर करूँगा, कैसे काम करते हैं, कैसा क्या होता है। तो चलिए हम लोग उसके अंदर शुरू करते हैं, हर चीज़ देखते हैं इसके अंदर से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रैनुलर सब बेस का क्या यूज़ है। इट एक्ट्स एज अ ड्रेनेज लेयर फॉर द पेवमेंट टू अवॉइड एक्सेसिव वेटिंग एंड वीकनिंग ऑफ सबग्रेड। इन स्ट्रेंथ इट इज़ मोर सुपेरियर एज कम्पेयर टू द सबग्रेड। वेरियस मटेरियल्स एंड टेक्निक्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सब बेस कोर्स। इट इज़ एन इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन सबग्रेड एंड ग्रैनुलर बेस कोर्स। तो ये सारी आप चीज़ें समझ ही गए होंगे कि ये सिर्फ ड्रेनेज लेयर है, यहाँ से हम लोग पानी को बाहर निकालते हैं और पेमेंट को सेव करते हैं। तो इसके बाद जो चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर दो लेयर भी आ सकता है, एक ड्रेनेज लेयर और फिल्टर लेयर का काम करता है, और ये दोनों अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करता है लोअर अपर में। आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। और इसका जो थिकनेस है वो 200 एमएम होना चाहिए, 200 एमएम से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये सारी रिक्वायरमेंट है। तो उसके अंदर मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारी, जो कि जीएसबी में बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरल सैंड, क्रश ग्रेवल, क्रश स्टोन, क्रश स्लैग, ब्रिक मेटल, कंकर एंड क्रश कंक्रीट इज़ परमिटेड इन द लोअर सब बेस। शाल बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक और अदर मटेरियल। मीन्स उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको हटाना है, उसके अंदर रूट्स नहीं होने, बहुत सारी चीज़ें जो कि इसमें ज़रूरी है। ये यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जांपल दिए है, पेबल्स विथ रिवर सैंड, नेचुरल गेवेल, क्रश सैंड, ब्लास्ट फर्नेस लैग, लेटराइट, ब्रिक मेटल। तो परसेंटेज बाय वेट पासिंग दी सीव, ये बहुत ज़रूरी है। इसका एक ग्रेडिंग 1, ग्रेडिंग 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 है। और 75 में ग्रेड 1 में 100 mm पासिंग होना चाहिए, 53 mm 80 से 100%, 26.5 mm 55 से 90, 9.5 mm 35 से 65, 4.5 25 से 55, 2.36 mm 20 to 40, और ये सारी चीज़ें नीचे दी गई है। ये सारी चीज़ें आप इसको पॉज करके देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी आपका बाद में काम आएगी। उसके बाद फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल फॉर जीएसबी, इसके अंदर लिक्विड लिमिट कितना होना चाहिए, प्लास्टिक सिटी इंडेक्स कितना है, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, लिक्विड लिमिट मैक्सिमम 25, प्लास्टिक सिटी इंडेक्स मैक्सिमम 6, CBR एट 98% ड्राई डेंसिटी, मिनिमम 30 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद 10% फाइंस, मिनिमम 50 किलोन्यूटन, वाटर अब्सॉर्प्शन मैक्सिमम 2%, इफ वाटर अब्सॉर्प्शन इज ग्रेटर देन 2% वेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट द रिक्वायर्ड। उसके बाद वेट इंपैक्ट वैल्यू मैक्सिमम 40, ये सारे यहाँ पे रिलेवेंट कोड भी दिए गए हैं कि कौन सा यूज़ किया है, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, टो लाइन फिक्सिंग, ये सारी चीज़ें, और हॉलिंग एंड डंपिंग। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देखते हो दोस्तों कि जब भी हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आती है तो ये टो लाइन फिक्सिंग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए ये स्लोप देख रहे हैं, ये 1:2 का स्लोप है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो लेयर्स की जो विड्थ है वो कम होती जाएगी, और इसके लिए मान लीजिए इसका जो टो लाइन है ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हमने इसमें कम जीएसबी डाला तो यहाँ पे मिट्टी दूसरा सुपीरियर मटेरियल आएगा और ये ड्रेनेज को ब्लॉक कर देगा। अगर इधर हम लोगों ने गलत कर दिया तो ये ब्लॉक हो जाएगा, और एक्सेस जाएगा तो हमारा वेस्टेज हो जाएगा। तो हमको प्रॉपरली सेंटर लाइन से हमको कितना हमारा टो लाइन आने वाला है दोनों साइड में, सर्वेयर से हमको मार्क करके लेना है। मार्क करने के बाद उसको
जो हमारा डंपिंग करना है, डंपिंग बराबर हमारा इक्वली होना चाहिए, ताकि हमको जब हम लोग स्प्रेड करें तो क्वांटिटी हमारी बराबर सब जगह पे फैले। जहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में कि डंपिंग जीएसबी हेल्प इन द रेगुलर इंटर, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये इस तरह से रेगुलर में करना चाहिए। कहीं ये मान लीजिए कहीं इधर डाल दिया, कहीं ज़्यादा डाल दिया, कहीं कम डाल दिया, तो हमको ग्रेडर को भी ज़्यादा दौड़ाना पड़ेगा, उसका एफिशिएंसी भी निकलेगा नहीं, डीजल कंजप्शन ज़्यादा होगा, हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए देख सकते हैं आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी कैसे निकालना है 100 मीटर लेंथ के लिए, 100 मीटर इंटू वेट इंटू थिकनेस इंटू एमडीडी कितना है, उसके हिसाब से टन में निकल जाएगा कि आपको कितना लगाना है, उसी हिसाब से डंपर वगैरह से मंगवाना है। और वो मटेरियल अच्छा हो, उसमें मिट्टी वगैरह ना हो, जो अनवांटेड मटेरियल हो ना हो उसके साथ। और डंपिंग होने के बाद ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, हमको ग्रेडर से ग्रेड करना पड़ता है, और ग्रेड करने के बाद देखना है उसमें सेग्रीगेशन ना आए कहीं, और उसके अगर अंदर मान लीजिए सेग्रीगेशन आता है तो उसमें फाइंस की ज़रूरत है तो फाइंस डाले, और उसके अंदर क्या क्या हमको क्वालिटी रिक्वायरमेंट है यहाँ थोड़ा हम उसको ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि ग्रेडेशन एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ वन टेस्ट फॉर एवरी 200 क्यूबिक मीटर, उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट एज पर IS 2720 पार्ट 2 एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन टेस्ट फॉर एवरी 250 क्यूबिक मीटर एट द टाइम ऑफ स्प्रेडिंग द रोलिंग स्प्रेडिंग एंड रोलिंग MDD एंड OMC एज पर जो भी दिया हुआ IS, उसकी दो टेस्ट करनी है 3000 क्यूबिक मीटर के लिए। उसके बाद जो भी लेबोरेटरी डिटरमेंट सीवर एज पर IS 2720 पार्ट 16 एज पर रिक्वायर्ड, जितना हमारा लेबोरेटरी ने दिया है CBR उतना उसको होना चाहिए। उसके बाद जो अटर बक्स लिमिट है वन टेस्ट फॉर एवरी 200 क्यूबिक मीटर, फिल डेंसिटी टेस्ट वो भी जो भी IS कोड दिया है उसके हिसाब से एक टेस्ट करना है 1000 स्क्वायर मीटर में, और मिनिमम 6 टेस्ट करना है अप टू 3000 स्क्वायर मीटर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ आती है। अगर हमारा कॉम्पैक्शन अगर पूर होगा तो हमारा सेटलमेंट होने की बहुत संभावना रहती है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हमारा जो GSB का बेड है उसका एकदम प्रॉपर हमारा कॉम्पैक्शन आना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे कि मान लीजिए जो टॉलरेंस है सबग्रेड के लिए ±20 mm है और GSB के लिए ±10 mm है, अगर ये हमारा अगर थिकनेस है वो अगर हमारा वैरी होता है, तो अगर मान लीजिए थिकनेस ज़्यादा हो गया मान लीजिए 40 mm ऊपर, तो जो ऊपर की लेयर आने वाली WM की उसकी 40 mm की लेयर घट जाएगी, तो हमारा अनइवन सरफेस होगा, तो हमको क्लाइंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमको इसकी वजह से रीवर्क करना पड़ेगा, हमको दोबारा उसको ग्रेडिंग कटिंग करना पड़ेगा, दोबारा वाटरिंग करना पड़ेगा, दोबारा रोलिंग कर हर चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग मान लीजिए हमारा 50 mm कहीं ज़्यादा है, 30 mm कहीं कम है, अगर कम भी हो जाता है मान लीजिए 30 mm डाउन हो जाता है, तो हमारा जो सुपीरियर लेयर ऊपर आने वाली है उसका थिकनेस बढ़ जाता है, तो हमारा उसमें वेस्टेज होने की बहुत संभावना रहती है। तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, जो भी हमारा टॉलरेंस दिया है उसी के अंदर हमारा बेड प्रिपेयर करना है और उसको चेक करना है। तो चेक कैसे करते हो मैं बताता हूँ। जब हम लोग दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए GSB है, ये लेयर हम लोगों ने यहाँ पे ये GSB है, ये यहाँ से यहाँ तक GSB लेड कर दिया, ग्रेड कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ एंड में यहाँ पे मार्किंग दिया होगा, एंड में यहाँ पे पेग लगा होगा, इसके ऊपर मार्किंग दे के रखेंगे हम, और इसके ऊपर मार्किंग देखे रखेंगे। हमको मान लीजिए 200 mm का कॉम्पैक्ट लेयर चाहिए, तो हम लोग मान लीजिए 230 mm या 220 mm का लूज़ में लेके चलेंगे कॉम्पैक्शन फैक्टर पकड़ के। तो हम लोग जब उसमें लगाएंगे तो ये लाइन दोरी है, ये जो दिख रहा है ये लाइन दोरी है, ये लाइन दोरी है, इसे दोनों तरफ से हम जितना हमको रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए ये केम्बर में हमको रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हमने पेक पे लेवल दे दी है। तो हम लोग लाइन दोरी मारेंगे, लाइन दोरी के बाद इधर ऐसा टेप से हम लोग यहाँ नापेंगे ये लोकेशन पर। तो यहाँ ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस हमारी मान लीजिए 200 mm आ रही है, या 220 mm आ रही है, यह हमारी थिकनेस मान लीजिए 230 mm आ रही है, यह हमारी थिकनेस मान लीजिए 215 mm आ रही है, ठीक है सॉरी दोस्तों ये बिफोर कॉम्पैक्शन है। तो ये जो थिकनेस आ रही है ये हमको चेक करना है, ये इक्वली बोलने से 230 या 220 का जो भी हमने कॉम्पैक्शन फैक्टर लेके चला है वो थिकनेस इक्वली होना चाहिए, तभी जाके हमारा आफ्टर कॉम्पैक्शन ये लेयर बराबर आएगा। तो हमको ये फ्रिक्वेंटली 10-10 मीटर के इंटरवल पे ये पेग लगा के दोनों साइड में ये चेक करते रहना है, और उसको जो सुपरवाइजर रहता है उसी का वही काम रहता है, तो वो चेक करते रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सुपरवाइजर साइड पे ग्रेडिंग होने के बाद ये चेक करते रहते हैं, जब हमारा प्लस माइनस जो रिक्वायरमेंट GSB में 10 mm जब आएगा
तो हम लोग उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी काम है। अगर हम लोग कोई अदर मटेरियल उसमें मिक्स कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो वो बाद में हमारे ड्रेनेज पे प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट करेगा और साइड में हमारा प्रॉपर सब होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर स्पेसिफाइड डिज़ाइन के हिसाब से, अप्रूव डिज़ाइन के हिसाब से, तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है कि जो पुअरली ग्रेडेड है वो देखिए अनडुलेशन दिख रहा है, पुअर क्वालिटी है, तो इसको हमको चेक कराना है, कंसल्ट इंजीनियर से बात करना है और उसके बाद इसको सही से अप्रूव कराना है। ये तो हो गई बात कि हम लोगों ने इस हिसाब से किया और कॉम्पैक्शन करने के बाद हमारा ये आया, हमने उसमें टेस्ट किया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, मैंने पहले ही आपको बता दिया क्या क्या इसमें ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से आ गया। उसके लिए हमको मान लीजिए GSB बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि ग्रेडर चाहिए, रोलर चाहिए, वाटर टैंकर चाहिए, सुपरवाइज़र चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डंपर चाहिए, डंपर में मीन्स हमारा जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, उसके बाद QA/QC के हमारा टीम चाहिए जो चेकिंग करेगी, लैब टीम हमारी साइट पे आके चेकिंग करेंगे, वो सारी मटेरियल्स हमको चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती है GSB लेयर बनाने के लिए। तो ये था सर एक GSB के ऊपर एक वीडियो, जो कि आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।